बताते हैं इस दिन चंद्रमा से जो है अमृत टपकता है। इस दिन घर में गाय के दूध की खीर बना करके उसको सारी रात जो है चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए। उसी खीर को जब हम सुबह भगवान को भोग लगा करके प्रसाद रूप में हम और परिवार के सदस्य ग्रहण करते हैं, ऐसा वर्णन है कि कई असाध्य रोग जो है उस खीर प्रसाद से दूर होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, आज भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास की थी। प्रत्येक गोपी की मन में जो इच्छा थी, भगवान श्री कृष्ण जो है श्रीमती राधिका रानी के साथ रास करते हैं। हमारा भाग्य कब उदित होगा, जब भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ भी रास करेंगे और हमें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। आज के दिन बंशीवट श्री वृंदावन धाम में भगवान ने अनंत कोटियों के साथ, अनंत कोटि गोपियों के साथ अनंत रूप बना करके महारास की थी। शरद पूर्णिमा का एक और महात्म हमारे संत लोग बतलाते हैं कि इस दिन चंद्रमा से जो है अमृत टपकता है और इस दिन घर में गाय के दूध की खीर बना करके उसको सारी रात जो है चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए, ताकि जो चंद्रमा से अमृत टपकता है वो उसमें पड़ सके। उसी खीर को जब हम सुबह भगवान को भोग लगा करके प्रसाद रूप में हम और परिवार के सदस्य ग्रहण करते हैं, ऐसा वर्णन है कि कई असाध्य रोग जो है उस खीर प्रसाद से दूर होते हैं।